हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल खुशबू की दुनिया ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मज़े में होंगे। और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, ये ब्लॉग है ट्यूसडे का और ट्यूसडे मैंने ली थी अपने ऑफिस से छुट्टी क्योंकि मेरे पास बहुत सारी लीव्स पड़ी हुई हैं और जैसा कि न्यू फाइनेंशियल ईयर भी स्टार्ट होने वाला है तो इससे पहले मेरी सारी छुट्टियाँ लैप्स हो जाए तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक एक करके इनको यूज़ कर लिया जाए। तो इस वजह से जो मैंने अपने दिन की शुरुआत करी है वो भी थोड़ा लेट करी है। अभी टाइम हो है 9:30 और मैं सबसे पहले क्लीन कर रही हूँ अपना बेडरूम। तो बेडरूम अभी मेरा क्लीन हो चुका है, अब मैं आ गई हूँ अपने लिविंग रूम में और अभी सोफ़े वगैरह कुशन वगैरह मैं थोड़े सही कर दूंगी क्योंकि रात को हम यहीं पर ही बैठ के टीवी वगैरह देखते हैं तो जिस वजह से थोड़े इधर उधर हो गए हैं। और आप देख सकते हैं कि धूप कितनी अच्छी अंदर आ रही है और सर्दियों के धूप के तो क्या कहने, बस मूंगफली की कमी है। मूंगफली मिल जाए तब तो फिर इस धूप में चार चांद लग जाएं क्योंकि धूप में बैठ के मूंगफली खाने का तो मज़ा कुछ और ही है। और बट अभी मूंगफली तो नहीं है मेरे पास में, बट हाँ धूप खाते खाते मैं काम ज़रूर मैं कर सकती हूँ। तो बस अभी मैं क्लीन करूँगी अपना लिविंग और उसके बाद में फिर मैं बनाऊँगी ब्रेकफास्ट। तो आज ब्रेकफास्ट में कुछ मैं अलग सा बनाने वाली हूँ और ये रेसिपी मैं आप लोगों के साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ एंड आई डोंट नो कि आप लोगों ने ये ट्राई करी है या नहीं करी है। अगर नहीं करी है तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करना और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो बस अभी सोफ़ा वगैरह मेरा सही हो गया है और अभी कुछ कर्टन वगैरह भी मैं थोड़ा सा सही कर रही हूँ। कर्टन मैंने सारे साइड में ही कर दिए हैं ताकि अच्छे से धूप अंदर आ जाए और मुझे रोशनी वाले और ऐसे धूप वाले घर मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं जिसमें प्रॉपर सनलाइट आती है अंदर। और ये मेरा बॉटल वाला मनी प्लांट है जिसको मैंने, इसकी पत्तियाँ जो है मैंने वो धुली थी, इसका पानी भी मैंने चेंज किया था क्योंकि इसकी पत्तियों के ऊपर डस्ट हो गई थी थोड़ी बहुत, तो मैंने इसको बाहर रख दिया था ताकि इसका सारा पानी सूख जाए। तो आज ब्रेकफास्ट में है काले चने और मूंग दाल और पालक का जो मैं चिला बनाती हूँ। ये मैं पहले भी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ रेसिपी, बट जो मेरे चैनल पर न्यू है तो मैं उनको बता देती हूँ कि मैंने काले चने और साबुत मूंग दाल को मैंने ओवरनाइट सोक कर दिया था और फिर उसके बाद इसमें लहसुन अदरक और हरी मिर्च इन सारी चीज़ों को मैंने पेस्ट बना लिया था इसके साथ में ही। और साथ में मैंने इसमें डाला है नमक और कटी हुई पालक, थोड़ी सी कटी हुई पालक आपको डालनी है। सारी चीज़ों को हम कर देंगे मिक्स और बस पैन में जैसे हम बेसन के चिले बनाते हैं सेम उसी तरह से आपको इसका चिला बनाना है। तो ये प्रोटीन से, ये जो ब्रेकफास्ट है प्रोटीन से भरपूर है, ये बहुत ही जल्दी बन जाते हैं और ये खाने में तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। इवन मुझे तो अब बेसन का चिला भी इतना अच्छा नहीं लगता है, जब से मैंने ये मूँग दाल और काले चने वाला ये चिला मैंने ट्राई किया है ये मुझे ज़्यादा पसंद आता है। और बेसन का चिला मैं बहुत ही रेयर में बनाती हूँ, मैं मैक्सिमम टाइम में इसी चिले को मैं बनाती हूँ क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी लगता है। और आप इसे ग्रीन चटनी या केचप के साथ खा सकते हैं, अगर वो भी नहीं है तो आप इसे सिंपल ऐसी चाय के साथ खाएं, ये उसके साथ भी बहुत अच्छा लगता है। तो अब मैंने हस्बैंड को तो मॉर्निंग में ही ब्रेकफास्ट दे दिया था और अभी मैंने अपने लिए बनाए हैं दो चिले और साथ में है ये गर्मा गर्म चाय क्योंकि सर्दियों में चाय पीने में बहुत ही अच्छी लगती है। तो जब भी मैं चिले वगैरह ऐसी कोई चीज़ बनाती हूँ तो मैं चाय बनाती हूँ, अदरवाइज़ तो ओट्स के साथ फिर हम चाय वगैरह नहीं पीते हैं, सिर्फ शाम को ही चाय पीते हैं। तो अभी ब्रेकफास्ट मैंने कर लिया है और ये कुछ धुले हुए कपड़े हैं, कल शाम को मैंने लगाई थी मशीन तो मैंने इनको डाल दिया था, तो भी आप देख सकते हैं कि ये पूरे रात में ही सूख गए हैं। मशीन में कपड़े डालने से ये एक फ़ायदा हो जाता है, आधे कपड़े तो ड्रायर में ही सूख जाते हैं और बाकी के जितने होते हैं वो हल्की फुल्की धूप और हवा से बाहर सूख जाते हैं। तो बस इनको भी तह लगा के मैं रख दूंगी, जो भी मेरे कपड़े सूखते हैं मैं उनको तुरंत का तुरंत मैं उनकी तह लगा के रख देती हूँ क्योंकि जो भी कपड़े सूखे हैं अगर आप फटाफट उन्हें तह लगा के अलमीरा में रख देते हैं तो इससे कोई भी काम आपका फैला नहीं होता है और घर भी आपका देखने में बिल्कुल साफ़ सुथरा अच्छा लगता है। तो आज जो मैंने अपने लिए काम निकाल के रखा है वो है शू रैक की क्लीनिंग, क्योंकि शू रैक का ये जो ऊपर वाला रैक है तो इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जिनकी रखने की कोई जगह नहीं है तो उन्हें सारी चीज़ों को शू रैक में ही रख देते हैं। और कि बहुत सारी ऐसे छोटे मोटे आइटम हैं जैसे टेप हो गया और इसमें कैंडल्स का बॉक्स भी हमने रखा हुआ है और जितने भी स्क्रू हैं या फिर जो भी नट वगैरह हैं वो भी हमने इसके अंदर रखे हुए, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। इसके अलावा जो भी हमारे सॉक्स हैं कई सारे मेरे हस्बैंड के, वो भी सारी चीज़ें इसी के अंदर पड़ी हुई हैं और देखने में मुझे बहुत ही ज़्यादा ये मैसी लग रहा था तो मैंने सोचा कि आज मैं इसकी क्लीनिंग कर देती हूँ और सारी चीज़ें मैं अच्छे से रख देती हूँ क्योंकि जब भी इसको खोलो तो देखने में, एक तो चीज़ें ढूंढने में बहुत दिक्कत हो रही थी क्योंकि जब भी आपका जो भी रैक्स हैं अगर इस तरीके से मैसी होती हैं तो आप उसमें चीज़ भी नहीं ढूंढ पाते हैं, बहुत ही टाइम लगता है और साथ में जब भी आप उसको खोलेंगे तभी भी देखने में अच्छा नहीं लगता है। तो आज मैंने सोचा आज मैं पूरा शू रैक अपना ऊपर से लेकर नीचे तक क्लीन करूँगी, जो भी जहाँ पर शूज़ वगैरह रखे हुए हैं उसकी भी पूरी डस्टिंग करूँगी। तो इसके अंदर का सारा सामान मैंने निकाल दिया था, ये आप देख सकते हैं, इसमें छोटे से पेंट वाले ब्रश भी हैं जिनको मैंने यहाँ रखा हुआ है,
क्योंकि जो भी इतना आलतू फालतू जो भी सामान है वो सारा हम इसी में रखते हैं, क्योंकि एक तो ये हमारी आंखों के सामने होता है, जैसे कुछ टेप वगैरह चाहिए या ये सारी चीज़ें, तो ये तुरंत का तुरंत हम इसे खोल के निकाल लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं इसी के अंदर लगाने वाली हूँ, और जितना भी आलतू फालतू सामान है वो मैं बाहर फेंक दूंगी जो भी हमारे यूज़ का नहीं है। और ये हैं वो सीड्स जो कि मैंने उगाए हैं, जिसमें मैंने आपको दिखाया था कि येलो कलर का फूल निकला हुआ है। इसके अंदर और भी कई तरीके की सीड्स हैं, बट वो मैंने अभी तक नहीं उगाए हैं, तो उनको भी मैं डाल दूंगी। तो देखते हैं कि कब तक उसमें प्लांट्स निकलता है, क्योंकि वैसे जो सीड्स को जो ग्रो करने का सबसे बेस्ट टाइम होता है वो है अक्टूबर या नवंबर के इधर। जो भी विंटर्स वाले आपके फूल होते हैं उनको अक्टूबर या नवंबर के इधर उनके सीड्स आप डाल दें, तो इस टाइम पे उसमें फूल आने स्टार्ट हो जाते हैं। बट क्योंकि अभी काफ़ी लेट हो चुका है, तो बस मैं इसी कंफ्यूजन में हूँ कि मैं इनको डालूँ या फिर रहने दूँ। तो देखती हूँ अभी इनको डालना है या फिर नहीं, क्योंकि जो मैंने अक्टूबर या नवंबर में डाले थे उसमें तो अभी फूल भी आने स्टार्ट हो गए हैं। तो मैंने अपने शू रैक में जो हाफ़ साइड है उसमें मैंने पूरे सॉक्स रखे हुए हैं, और जो हाफ़ साइड है उसमें जो भी सामान है, जैसे कि कैंडल्स हो गई या ब्रश वगैरह हो गया, टेप वगैरह हो गया, कलर है मेरे पास में छोटे छोटे एक्रेलिक, तो वो सारी चीज़ें मैंने एक साइड में रखी हैं। तो शू रैक को मैंने इसको हाफ मैंने रैक को मैंने डिवाइड कर दिया है, एक साइड तो सॉक्स वगैरह हैं। सॉक्स को मैंने एक के अंदर फोल्ड करके मैंने इस तरीके से तह लगाई है कि जब भी आप एक सॉक्स उठाएंगे तो उसके साथ में पूरा आप पेयर में ही उसे उठा सकेंगे। तो देखिए अभी शू रैक तो मैंने अपनी पूरी कर ली है अरेंज, और यहाँ पर भी पूरी डस्ट करके मैंने जो भी शूज़ और वाले सैंडल्स वगैरह थे वो भी मैंने सारे सारे अच्छे से कर दिए हैं ऑर्गेनाइज। तो अभी मैंने शावर वगैरह भी ले लिया है, और अभी टाइम है लंच का। तो लंच में आज मैं बनाने वाली हूँ बिरयानी, क्योंकि अब छुट्टी है तो कुछ स्पेशल ही बनेगा, और टाइम भी काफ़ी है मेरे पास में। तो काफ़ी दिन हो गए थे मुझे बिरयानी बनाए हुए, तो इसलिए मैंने सोचा कि आज बिरयानी बना लेते हैं। तो इसके लिए मैं पनीर को मैं पहले कर रही हूँ फ्राई, और इस बिरयानी की रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ पहले भी शेयर करी है। थोड़ी सी जो बिरयानी की रेसिपी होती है वो थोड़ा टाइम टेकिंग होती है, थोड़ा डिटेल रेसिपी होती है, क्योंकि मैं जो बिरयानी बनाती हूँ उसमें जो मैं पानी डालती हूँ वो मैं प्लेन वाटर नहीं डालती हूँ, उसके लिए मैं अलग से पानी बनाती हूँ। तो इस रेसिपी का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो वहाँ से जाके आप इसकी डिटेल रेसिपी आप चेक कर सकते हैं। तो अभी पनीर को मैंने कर लिया है फ्राई, उसको मैंने निकाल लिया है साइड में, और ये है मेरे पास में एक अल्मीनियम का भगोना जिसमें मैंने डाला है इसमें ऑयल 5 से 6 टेबल स्पून, और साथ में मैंने डाले हैं खड़े मसाले। तो खड़े मसालों में तेज़पत्ता हो गया, छोटी इलायची हो गई, मोटी इलायची हो गई, दालचीनी, लौंग, काली मिर्च, या आपके पास में और भी खड़े मसाले हैं तो वो भी आप डाल सकते हैं। और साथ में मैंने डाल दिया है इसमें अदरक लहसुन और प्याज का पेस्ट, तो इसको भी हम कर लेंगे अच्छे से गोल्डन ब्राउन। और साथ में मैंने इसमें डाली हैं 2 से 3 लंबी कटी हुई हरी मिर्चें, और मैं यहाँ पर डाल रही हूँ चाप, ये सोया चाप है, और साथ में है फ्रोज़न मटर, तो मटर भी मैंने इसमें डाल दिया है। और ये है बिरयानी राइस जिसको मैंने आधे घंटे पहले मैंने सोक कर दिया था, तो अभी अच्छे से सोक हो गए हैं, तो अभी हम इनको बहुत ही हल्के हाथों से चलाएंगे और इसको हम कर लेंगे अच्छे से मिक्स। अब इसमें हम डाल देंगे सॉल्ट टेस्ट के अकॉर्डिंग, और यहाँ पर है 1 नींबू का रस जो मैंने निकाला है वो भी हम इसमें डाल देंगे, इससे जो चावल हैं हमारे वो बहुत ही बिरयानी के हमारे बिल्कुल खिले खिले बनेंगे। और ये है वो पानी जिसकी मैं बात कर रही थी, जो मैं बिरयानी में डालने के लिए अलग से बनाती हूँ, तो ये पानी भी हम इसमें डाल देंगे। पानी हमें ज़्यादा नहीं डालना है, चावल क्योंकि हमने पहले से ही सोक करे हुए हैं तो पानी हम उसी हिसाब से डालेंगे। और पनीर मैंने सबसे लास्ट में डाला है ताकि ये इसके टुकड़े टूटे नहीं और ये बिल्कुल साबुत बने रहें। अब बस सारी चीज़ें हमने डाल दी हैं, अब हम प्लेट को कर देंगे बंद, और इसके ऊपर मैं ये भारी सामान रख रही हूँ, रोटी बेलने वाली चौकी, आप चाहें तो इसके चारों तरफ आटा भी लगा के इसको आप सील कर सकते हैं। तो अभी बिरयानी हमारी बन गई है, और अब मैं इसमें डाल रही हूँ फूड कलर। तो मेरे पास में 2 तरीके के फूड कलर है, ऑरेंज और पिंक, तो मैं ये दोनों डालने वाली हूँ ताकि जो बिरयानी के हमारे राइस हैं वो बिल्कुल कलरफुल दिखें, और बिरयानी हमारी बिल्कुल कलरफुल लगे, अच्छी सी देखने में भी और खाने में भी। और ये प्याज है जो कि मैंने फ्राई कर लिया था, तो 1 लार्ज साइज का ये प्याज है जिसको मैंने अच्छे से ऑयल में फ्राई कर लिया है, तो इसको भी हम डाल देंगे इसके ऊपर। और साथ में मैंने कुछ काजू भी मैंने फ्राई किए थे, तो वो काजू भी हम इसके ऊपर डाल देंगे। आप अगर काजू खाते हैं तो डाल सकते हैं, अदरवाइज़ ये मैंडेटरी नहीं है, आप इसे स्किप कर सकते हैं। और साथ में हम इसमें डाल देंगे
2 टेबलस्पून के करीब केवड़ा वाटर। तो केवड़ा वाटर डालने से हमारी बिरयानी में खुशबू बहुत ही अच्छी आएगी। तो मैंने यहाँ पर 2 ढक्कन मैंने डाल दिया है केवड़ा वाटर। अब इसको दोबारा से बंद कर देंगे और 5 से 6 मिनट के लिए हम इसे रेस्ट करने देंगे। तो देखिए बिरयानी हो गई है तैयार बिल्कुल, और अभी हम इसे इंजॉय करेंगे हरी चटनी के साथ। तो आइए और आप लोग भी हमारे साथ बिरयानी खाइए। तो शाम को फिर फ्री हो गए थे क्योंकि मेरी तो छुट्टी ही थी और मेरे हस्बैंड 4 बजे तक ऑफिस का काम करके फ्री हो गए थे, तो हमने सोचा बाहर चलते हैं थोड़ा घूमने। तो घर के पास में एक नर्सरी है तो हम यहाँ पर आ गए थे क्योंकि इस टाइम पे विंटर्स के हम कुछ फूल वगैरह देख रहे थे कि क्या लें और क्या ना लें। तो हमने तो अभी तो कुछ नहीं लिया, बट वहाँ पर कलेक्शन बहुत ही अच्छा था और फूल भी काफ़ी बड़े बड़े खिले हुए थे और जो कि देखने में बहुत ही सुंदर लग रहे थे। फिर शाम को हमारे घर वापस नर्सरी से, तो ये देखिए इस टाइम पे सनसेट बहुत ही अच्छा हो रहा था और सन देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा था। ये वीडियो में तो इतना अच्छा नहीं आ रहा है बट जब मैं इसे लाइव देख रही थी बिल्कुल ये ऑरेंज कलर का दिख रहा था और बहुत ही प्यारा लग रहा था देखने में। तो फ्रेंड्स फिर इस व्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और आप लोगों के व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और इसके साथ ही मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय फ्रेंड्स, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर, बाय।